जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। हाँ रुपिंदर, सुस्वागतम। बहुत लंबे समय बाद प्रकट हुई। मैं अदृश्य नहीं रहती हूँ। बताओ अपना अनुभव। मेरा अनुभव इट वॉज गुड। जैसे जैसे आप बोल रहे थे ना कि मतलब अपनी आत्मा पे जीत ले जाओ और खुद को द्रव्य जैसा फील करो, वैसे ही फील हो रहा था कि कुछ मेल्टिंग सा है जो अंदर की ओर जा रहा है। और जब पूरी सामूहिकता की आत्मा के साथ जुड़ना है उसमें मतलब थोड़ा सा एक जैसे आज्ञा पे पेन सा आया, पर वो जैसे हल्का सा, उसके बाद वो निकल गया। और जब ये आपने बोला कि अपनी चेतना को परमात्मा के साथ जोड़ो बाय द एंड, कुछ उसमें हो नहीं रहा था, बचा भटक गया। सारा ध्यान सही चलता जब है, बातचीत में अटक रहा। आपने ये बात अटक गई है बिल्कुल, दोबारा बताना पड़ेगा। ये रुक गया था नेट। काइंडली रिपीट इट अगेन। एक्चुअली जब आपने बोला ना कि अपनी चेतना को मतलब परमात्मा। परमपिता से जोड़ो, हाँ, हाँ, तो उस टाइम ना मतलब कुछ ऐसा फील नहीं हुआ। जब आपने कहा कि श्री माता जी ही परमपिता है तो अंदर से यही आया जैसे ये दैट इज इट, तो उस टाइम पे जैसे एनर्जी का फ्लो फिर से बढ़ना शुरू हो गया। ओवरऑल इट वॉज वेरी गुड, पूरा सेशन ही बहुत कुछ था इसमें। हाँ, जो कुछ था बहुत ही सूक्ष्म और आंतरिक था। बिल्कुल। और अन्य कोई बाकी? लगता है योग निद्रा में लीन हो स्टिल हो गए गए हैं सारे। हैं योग निद्रा या निद्रा रूपी योग अभी तो बहुत सारे लोग हैं। बताइए बताइए, जागिए थोड़ा। जो YouTube पे आपके भाई बंधु मिलने वाले हैं, उनके लिए भी कुछ अपने अनुभव प्रदान कर दीजिए। अरे, ये मेरी आवाज कॉल ड्रॉप हो गई थी। जय श्री माता जी। जी जय श्री माता जी। प्राची, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए प्राची। जय श्री माता जी भैया, जय श्री माता जी। सभी सामूहिकता को भी जय श्री माता जी भैया। हाँ, बताइए बताइए। बोलो। मुझे ऐसा लग रहा था ना कि मैं कहीं फंसी हुई और श्री माता जी मुझे निकाल रही है। मतलब कैसे बताऊं, मतलब मुझे बहुत दिन से अलग अलग अनुभूति आ रही है और शायद मेरा चित्त भी बहुत भटक रहा था, मतलब भटक नहीं रहा था, मतलब सांसारिक स्तर पे जो हो रहा था मेरा चित्त वहीं ही जा रहा था। अभी क्या हुआ कि रिसेंटली मेरी दादी जी एक्सपायर कर गए, तो फिर पता नहीं मतलब ध्यान के दौरान भी चित्त थोड़ा उधर चल जाता था और उनके लिए प्रे भी करती थी। और फिर
ध्यान तो कर ही रही थी, अचानक से फिर वो चीखते चला जाता था, तो भी ऐसे ऐसे हो रहा था। तो अनुभूतियां मुझे बहुत डिफरेंट डिफरेंट फील हो रही थी। जैसे आज की अनुभूति में ही वो जो अभी जो लास्ट वीक से जो मुझे अनुभव हो रहा था उसी का ये रिफ्लेक्शन था। वही चीज और एक्स्ट्रा में फील हो रही थी, और स्ट्रांगली फील हो रही थी। तो मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि एक कांस्टेंट फीलिंग ये है कि जो मेरी विशुद्धि से मेरे ऐसे कान तक एक स्ट्रांग खिंचाव आता है, तो मेरे कान के पर्दे भी ऐसे पिंच करते हैं, और एट द सेम टाइम कभी ससुराल भी ऐसे पिंच करता है। और फिर थोड़ी देर बाद गरम गरम ही फील होता है मुझे लेफ्ट साइड। और जैसे कि आप सुन रहे हैं? हाँ बिल्कुल सुन रहा हूँ, ध्यान से सुन रहा हेलो। हूँ। यस लिसनिंग। आज दादी जी का दशकात्र भी था, 10वां दिन। तो आज सब सेरेमनी थी, सब बहुत मिले लोग, तो वहां ऐसे उनकी बातें चल रही थी। तो फिर मैं बात करना ही चाह रही थी दादी, मैंने बस एक दादी का, और फिर मेरे जो हृदय है लेफ्ट हृदय वो बहुत जोर वो पड़कने लगा उसी टाइम में। कि मुझे लगा कि ये क्या हुआ, मुझे रिफ्लेक्शन समझ में नहीं आते कि मैं फील कर रही थी कि मैं समझ में बोल नहीं पा रही हूँ। कोई बात नहीं, दिमाग क्यों आया? कोई बात नहीं, चिंता मत हेलो। करो। हाँ प्राची बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हाँ प्राची, तो मुझे ऐसा लग रहा था ना कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा मेरी जो स्थिति है वो एक हिलते हुए जल की तरह है। जो हिलता हुआ जल होता है ना, जिसमें आप देखने की कोशिश करते हो लेकिन देख नहीं पा रहे हो, आप स्टील नहीं हो पा रहे हो, और श्री माता जी पूरी सामूहिकता की एनर्जी उसको एकदम साइलेंट करने में कि स्थिर हो जाए, स्थिर हो जा, देख देख, ऐसे मुझे कर रहे हैं। ऐसे लग रहा था मुझे, लेकिन मैं बहुत कुछ बहुत कुछ स्थिर हो गया अभी। और हाँ भैया, और एक वो मुझे पूछना था कि ये सब अनुभूति में जो लेफ्ट विशुद्धि से जो मुझे कान तक फील होता है वो ऐसे क्यों हो रहा है मेरे साथ? वो मैंने लगभग 3-4 दिन से रोज ही हो रहा है मुझे। प्राची, मैंने आपको पहले ही बताया था, एक चौथी नाड़ी है जो लेफ्ट विशुद्धि से होती हुई सहस्त्रार से बाहर निकलती है, या ये कहें कि सहस्त्रार तक जाती है। तो ये जो यहाँ पे इस नाड़ी में जो बहुत सारे ऐसी कोशिकाएं हैं जो खुलती हैं जब एनर्जी इनमें मूव करती है, तो इस नाड़ी के खोलने का आपको अनुभव हो रहा है। और जब ये खुलती है तो एक लाइन सी, एक लकीर सी ऐसे खिंचाव के रूप में प्रकट होती रहती है। सो इट इज़ ए वेरी गुड साइन। जैसे कि एक आपका प्लास्टिक का पाइप तो होता भी है, एक मिनट, जैसे प्लास्टिक का पाइप होता है जी और आप उसमें टैप में लगा देते हैं और टैप में बहुत अच्छी तेजी से पानी आता है, तो आप देखते होंगे कि ये वो टाइट हो जाता है पाइप, पानी भी बह रहा है लेकिन वो पाइप टाइट हो गया है। तो जब हमारे भीतर में ढेर सारी ऊर्जा, हमारे, देवा अरे देवा बीच में कौन बोल रहा है, बोली प्लीज ये जरा ऑफ कर दो अपना ये माइक। वधु दीदी, प्लीज ऑफ कर दीजिए, बार बार आपका अनम्यूट हो जा रहा है। अगर मेहरबानी करके बात ही ना करें ऐसे में आपस में, या किसी दूसरे कमरे में जाके बात कर ले तो बहुत अच्छा होगा, ये सारी आवाजें इसमें रिकॉर्ड हो जाती हैं। हाँ तो मैं ये कह रहा था प्राची कि जिस प्रकार से पाइप टाइट हो जाता है ना, तो ये ऊर्जा का अनुभव वैसे ही होता है, बिल्कुल उसी प्रकार से हमें अपनी नाड़ी में ऊर्जा महसूस होती है और तब हमको ऐसा लगता है जैसे एक लकीर सी खिंच गई हो। और ये सारे अच्छे लक्षण हैं, इट्स ए वेरी गुड साइन। प्राची सुन रहे हो मेरी बात?
गरम गरम भी निकल, हाँ हाँ भैया मैं सुन रही हूँ। तो हाँ गरम भी निकलेगा, गरम इसलिए जी निकलेगा, गरम इसलिए उसी निकलेगा, दौरान, हाँ 1 मिनट मैं बताना चाह रहा हूं, गरम भी निकलेगा, गरम इसलिए निकलेगा कि बहुत सारी चीजें हमने अपने अंदर स्टोर कर रखी हैं जो कि नकारात्मक है। नकारात्मक का मतलब यह है संस्कार, पूर्व संस्कार ढेर सारे हमने इकट्ठे कर रखे हैं, जिन्हें हम कहते हैं लाखों हजारों कंडीशनिंग। तो जब ये ऊर्जा का प्रवाह चलना शुरू होता है तो कान से ये संस्कार रिलीज हो रहे होते हैं, और इसे हम ये भी कह सकते हैं कि संस्कार चूंकि भूतकाल के हैं, इन सारे संस्कारों का संबंध हमारे भूतकाल से है, भूतकाल में हमने ये संस्कार अपनाए थे। तो हमें एक सरल भाषा में ये भी कह सकते हैं, जब माँ की ऊर्जा हमारे भीतर में बहना प्रारंभ हो जाती है तो ढेर सारे भूत हमारे कान से निकलकर बाहर जा रहे होते हैं। भूतकाल की जड़ताएं भूत के बराबर ही होती हैं, ये वो वाला भूत नहीं है आत्मा वाला जो हमारे अंदर घुस जाता है, ये स्मृति वाले भूत हैं जो हमारे भीतर जी में संस्कारों के रूप में जीवंत रूप में रहते हैं, एक लाइव एंटिटी बनकर रहते हैं संस्कारों के रूप में। और इस एक सुंदर अवस्था में, इस सुंदर अवस्था में हाँ ये सारे भूत हमारे कानों से रिलीज हो रहे होते हैं। लेफ्ट लेफ्ट ईयर से ज्यादा होंगे, राइट से थोड़ा कम होंगे, क्योंकि लेफ्ट में ही संस्कार हमारे, ओके लेफ्ट नाड़ी पे, लेफ्ट आज्ञा में हमारे सारे संस्कार मतलब संचित हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं, और उन पर प्रतिक्रिया करता है हमारा राइट आज्ञा। तो राइट आज्ञा वाले कान से कम भूत हाँ निकलेंगे, लेकिन लेफ्ट वाले कान से ज्यादा भूत निकलेंगे, ऐसे समझ लो आप। भैया जो एनर्जी एक शोल्डर तक जाती है, जो मतलब ऐसा ज्यादा नहीं हुआ बट थोड़ा सा एक स्ट्रिंग से गई और खत्म हो गई, हाँ, जैसे क्योंकि मुझे जो दिन भर में शोल्डर दो है, तीन बार ऐसा लग रहा जो था। शोल्डर भी विशुद्धि का पार्ट है ना, क्योंकि शोल्डर विशुद्धि का पार्ट है इसलिए वहां भी ओके ऐसा अनुभव होगा आपको। अच्छा, तो पूरा समझ, इस ओके अच्छा ठीक। सारे में ही अनुभव होगा। और अभी ध्यान के दौरान मुझे, यहाँ मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे बहुत ऊर्जा फील हो रही थी, या तो वो मुझे दबा रही थी लेकिन फीलिंग हो रहा था मुझे इस साइड भी। ऐसा है ना कि ये जो है हमारा, ये और जो साइड है हमारी राइट आज्ञा है, जो आपने बताया ये राइट आज्ञा है, जो जी जो पुराने संस्कारों पर प्रतिक्रिया देता है हमारा राइट अच्छा आज्ञा है, यानी कि भविष्य से संबंध है इसका। तो हम भूतकाल हाँ की ओके बातों के कारण ही भविष्य के प्रति चिंतित होते हैं। अच्छा तो जब यहां से रिलीज होता है तो चिंताएं भूतों के रूप में रिलीज हो रही होती हैं, या चिंता रूपी भूत रिलीज हो रहे होते हैं कुछ भी समझ लो, दोनों ही तरीके से हमें लाभ होगा। कान गर्म हो जाएंगे हमारे दोनों, और रिलीज होना शुरू हो जाएगा। जी तो सरल भाषा में हम कह सकते हैं भूतकाल की प्रगाढ़ स्मृतियां जो कंडीशनिंग का रूप धारण कर जीवंत अवस्था में लगातार हमारे साथ रहती हैं, और हमको पता भी नहीं रहता कि हजारों किस्म की कंडीशनिंग भूत बनकर हमारे साथ चिपकी हुई रहती हैं। और जब माँ का प्रेम हमें मिलना शुरू होता है, और जब गहन ध्यान होता है, गहन ध्यान जहां आप शून्य हो जाते हो, जहां बिल्कुल निर्विकल्प अवस्था में होते हो, जहां केवल आप केवल परमात्मा का अनुभव कर रहे होते हो, ऐसी अवस्था में ये रिलीज होने शुरू होते हैं। मनुष्य सुबह से शाम तक आज भी बहुत सारी कंडीशनिंग का गुलाम है, आज भी पता भी नहीं चलता कि वो कितने प्रकार की कंडीशनिंग का गुलाम है वो, लेकिन ये धीरे धीरे निकल जाती हैं और आप अच्छा मुक्त हो जाते हो, खाली हो जाते हो धीरे धीरे।
अब जैसे गया, जैसे आपकी दादी समझ में आ का, गया, खाली होने का प्रोसेस चल रहा है। हाँ ये खाली होने का प्रोसेस है। गहन ध्यान या ध्यान समाधि खाली होने की ही व्यवस्था है, ऐसे समझ लो। ध्यान कुछ और नहीं है, मन के कोषों का खाली होने की प्रक्रिया मात्र है। और जैसे खाली होते जाते हैं वैसे ही हमें परमात्मा का अनुभव बढ़ता जाता है। परमात्मा तो पहले से ही है, लेकिन इतने सारे संस्कार भर लिए हमने कि परमात्मा का अनुभव समाप्त हो गया। और जब ये संस्कार रिलीज होने शुरू होते हैं तो परमात्मा का अनुभव प्रगाढ़ होने लगता है। परमात्मा कहीं से आते जाते नहीं है, वो तो हमारे भीतर थे ही। अब हमने इतना सारा सामान भर लिया इसमें तो एहसास नहीं होता हमें परमात्मा का। लेकिन ये ध्यान, गहन ध्यान रिक्त करने की प्रक्रिया है, और रिक्त होते 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 हमारे परमात्मा हमें अनुभव होने लगते हैं। इसलिए हम कहते हैं ना, परम पिता पे फोकस करेंगे, हम केंद्रित करेंगे परम पिता पे अपना ध्यान, अपने आत्मा में परम पिता को हाँ, महसूस करेंगे, ताकि हमारी जो चेतना है और हमारा चित्त है उनके साथ एकाकार हो जाए और ये खाली होने की प्रक्रिया तीव्र हो जाए। परमात्मा की शक्ति से ही खाली होने की प्रक्रिया घटित होती है। यदि परमात्मा की तरफ हमारा फोकस नहीं होगा तो हमें शक्ति प्राप्त नहीं होगी, और जब ये शक्ति नहीं होगी तो हम रिक्त नहीं होंगे। एकदम सिंपल बात समझने के लिए, राइट? जी तो रिक्तीकरण, अन्या, रिक्तीकरण का प्रोसेस है ये हमारा। और बताइए, हाँ जी, जय श्री माता जय श्री माता जी, जी भैया। जय श्री माता जी। आंटी जी कैसे हैं आप? ठीक है भैया। भैया जब आप बोल रहे थे ना, सबकी आत्माओं के बीच में अपनी आत्मा को महसूस करो, जी उस समय मेरे राइट मध्य हार्ट में, बैक साइड में जी इतने तक ये बहुत जोर, मतलब कि बहुत जोर से, मतलब कि घूम रहा था पीछे आत्मा का रिश्ता, चक्र घूम रहा था ना, आत्मा और तो जोर हमारे से भीतर घूम रहा है। था, और जब हाँ जी, मध्य हृदय चक्र घूम रहा था बैक साइड में, हाँ क्योंकि बैक साइड में हाँ क्योंकि बहुत आपने जोर से अपने घूम रहा, क्योंकि आपने अपने वहां भीतर से में, उठते उठते हाँ हाँ क्योंकि जी महसूस किया, और जी वो फिर वो चेतना जाती जाती पीछे से, मतलब कि ऊपर सहस्त्रार पर चली गई, जी और उसके बाद जब आपने कहा श्री माता जी को आप मतलब कि परम पिता परमेश्वर के रूप में ध्यान करो, तो मैंने अपने चित्त हार्ट पे था, तो मेरा हार्ट पहले तो मतलब कि तेजी से घूमा, घूमते वो ऊर्जा सीधी विशुद्धि पर चली गई, और विशुद्धि में, मध्य विशुद्धि में जाके मुझे इतने नजारे दिखाई दिए, मैं कह नहीं सकती, कभी तो मुझे प्रकृति के नजारे दिखाई दिए, कभी श्री माता जी भाई फुहारे से छूट रहे हैं और श्री माता जी की झलक उसमें से दिखाई देती, जी और फिर कई पेड़ पौधे कभी कुछ नजारे दिखाई देते, और फिर चेतना जब फिर वो सहस्त्रार से बाहर, जी ऐसे महसूस हो। जी आपको अच्छा अनुभव हुआ है। देखिए, जैसे ही आपने सबकी आत्मा में अपने आप को महसूस किया या अपनी आत्मा में सबको महसूस किया, तो जो पूरी सामूहिकता की जो चेतना थी वो आपके भीतर में आपको अनुभव हुई। अब चूंकि व्यक्तिगत स्तर पे, अब व्यक्तिगत स्तर पे आप बहुत सारे, ये जो सामूहिकता है ये वाली, इसमें बहुत सारे लोगों से जुड़े नहीं हैं आप। वैसे प्रत्यक्ष में जान पहचान भी नहीं है, प्रत्यक्ष में भीतर में है लेकिन प्रत्यक्ष में नहीं है। तो इस कारण से पीठ पर अनुभव हुआ है। जिन लोगों से हमारा बहुत नजदीकी होती है, हमारे संज्ञान में होते हैं जो लोग, उनका अनुभव हमें फ्रंट साइड में होता है। लेकिन जो हमारे संज्ञान में या परिचित, मतलब उनसे बातचीत बहुत ज्यादा नहीं होती या नहीं बिल्कुल हुई होती,
लेकिन हमारा चित्त उन पे होता है, तो उनके रिफ्लेक्सेस, उनकी सामूहिक रिफ्लेक्सेस हमारी पीठ पर मध्य हृदय में आते हैं, बैक साइड में। और दूसरी चीज आपने कही कि हमारी विशुद्धि के अंदर बड़े सारे नजारे दिखाई दिए। अब चूंकि विशुद्धि विराट का ही प्रतिनिधित्व करती है, तो इस विराट में सब कुछ समाया हुआ है। हालांकि देखना महत्वपूर्ण नहीं है, पर अचानक से दिख गया कोई बात नहीं, लेकिन तो आपको श्री माता जी ने विराट का, जो विराट में सब कुछ समाहित है, उसका अनुभव कराया है आपको। बस अब इस देखने के लिए ज्यादा दोबारा कोशिश भी मत कीजिएगा, इच्छा भी मत रखिएगा कि भाई मुझे कुछ और दिखाई दे, क्योंकि फिर आप यहीं अटक के रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन श्री माता जी ने एक झलक दिखाकर आपको फिर सहस्त्रार से परे ले गए, आपको आपकी चेतना को इससे भी पार निकाल दिया। तो पार जाना ही सत्य है चेतना का। और कोई आपको जो ये विराट की चीजें दिखाई ना उन्होंने, उसके पीछे निश्चित रूप से एक बात पक्की है कि आपके अंदर कुछ जिज्ञासाएं जरूर होंगी, श्री माता जी के प्रति जिज्ञासाएं होंगी या इस विराट के प्रति जिज्ञासाएं होंगी, जिसका समाधान आपको दृश्य दिखाकर किया है। जिनके अंदर जिज्ञासाएं नहीं होती, उन्हें कोई दृश्य नहीं दिखाया जाता। तो दृश्य दिखाना मात्र एक संतुष्ट करने के बराबर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जो असली चीज है वो ये है कि हमारी चेतना सहस्त्रार से परे ही भ्रमण करे, या सहस्त्रार पर कम से कम बनी रहे, तो ये सत्य है। तो बहुत अच्छा अनुभव कराया श्री माता जी ने आपको। एक प्रकार से मैं ये कहूं कि विशुद्धि को आकाश माना जाता है, और विशुद्धि से लेके सहस्त्रार तक अंतरिक्ष, और सहस्त्रार से ऊपर शून्य अवस्था, जिसे कहते हैं ना ब्रह्मांड से परे वाली अवस्था, हमारे सहस्त्रार से परे है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हमारे अंदर विद्यमान है। हम भी एक छोटे से ब्रह्मांड है ना, जैसे एक बहुत बड़ा ब्रह्मांड है ये पूरा, इसमें इतने सारे ग्रह, आकाश गंगाएं, पता नहीं क्या क्या हैं, और इसके परे जाकर परमपिता परमेश्वर निराकार अवस्था में मौजूद हैं। तो ठीक इसी प्रकार से हमारे, हम मैं पूछना ठीक तो इसी, एक पूछती सेकेंड, तो नहीं थी, ठीक क्योंकि इसी, मैं अगर नहीं पूछूंगी तो मेरे ना अंदर में फिर मैं विकास नहीं कर पाऊंगी। पूछना जरूरी होता है। ये कोरोना काल से ही ना मुझे भीतर से बहुत डराया जा रहा है। कभी किसी रिलेटिव्स के बारे में बताकर, कभी किसी के बारे में बताकर डराते हैं, पर मैं माता जी के चरणों में छोड़ देती हूँ। मैं कहती हूँ माता जी बैठी है, और जब मैं सुबह ध्यान में बैठी थी, कल की बात है, जी और ऐसे ऊर्जा जा रही थी सीधी विशुद्धि तक गई। जी वहां पर आकर ना किसी ने काली सी आंख मेरे को, मुझे ऐसा लगा ध्यान में कोई मेरी तरफ देख रही काली। मैं विशुद्धि पर आके बहुत ही इतनी ऊर्जा, और उसके बाद सीधा शास्त्र आज्ञा पर पहुंची। तो आज्ञा पर ना कुछ ऐसा जिस तरह कोई नग वगैरह होता है ना, ऐसे कोई चीज चमकती हुई दिखाई। कोई बात नहीं, आपको डराया जा रहा है, मान लो आप डर रहे हो विभिन्न प्रकार से, तो आपको विशुद्धि को जागृत करा जा रहा है श्री माता के द्वारा, ताकि आप साक्षी भाव में आ जाएं, आप उन सारी बातों में लिप्त ना हो। आपकी जो साक्षी भाव की स्थिति को बढ़ाने के लिए या बनाए रखने की व्यवस्था की है श्री माता जी ने, तो इसके लिए कोई ऐसी बात नहीं है। आगे से जब भी ध्यान में बैठे हैं, तो कोई भी दृश्य देखने की इच्छा मत रखिएगा, वरना आगे बढ़ना मुश्किल होगा। हमारे अंदर बड़ा, देखने की इच्छा नहीं करती, पर ना आंखें बंद ही होती हैं तब भी हाँ कुछ दिन में, कुछ दिन तक रहेगा फिर चला जाएगा। जब आप साक्षी भाव में स्थित हो जाएंगे ना, तब आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। लेकिन लेकिन हमें देखने की इच्छा से विमुख रहना है, देखने की इच्छा रखनी ही नहीं है हमें कुछ भी।
कि जैसे आज दिखाया माँ ने, तो हम कहें माँ हमें कल भी दिखा दो, परसों भी दिखा दो, ये हमारे लिए बाधा है, ये इच्छा बाधा बन जाएगी। हाँ अपने आप से कुछ आता है तो आने दीजिए, लेकिन इच्छा रहित तो होकर हमें ध्यानस्थ होना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, सभी सहजी ध्यान से सुने इस बात को, कि जब हमें अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाए जाते हैं, हमारे आज्ञा में प्रकट होती हैं बहुत सारी चीज़ें, तो हमें लालच आता है कि अब हम क्या देखें, हम नया कुछ और देखें, हम कुछ और देखें, और हम बताते हैं तो बहुत से सुनने वालों को भी बड़ा मजा आता है। इस चक्कर में हम लालच में फंस जाते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे सहजी फंसे हुए देखे हैं, मिले हैं, बातचीत हुई है उनसे। 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा, जरा बैटरी चेंज कर दूं मैं। हाँ जी, तो मैं कह रहा था ऐसे बहुत से सहजियों से बातचीत हुई मेरी, जो इस लालच में फंस जाते हैं, क्योंकि जब वो किसी दूसरे सहजी से बात करते हैं तो उन्हें बड़ा मजा आता है सुनने में, तो इस तरीके से लालच बढ़ जाता है, फिर वो बस इसी के अंदर उलझ जाते हैं और रोज नए नए दृश्य देखते हैं, बताते हैं, तो फंस गए हम, आज्ञा में फंस गए। लेकिन ये जो घटनाक्रम घटित हुआ है, आपको साक्षी अवस्था में स्थित करने के लिए हो रहा है। कुछ दिनों बाद आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, शांत रहेंगे फिर आप। ठीक है भैया, मैं इससे इस बारे में इसलिए पूछा, मैंने कहा कहीं मैं अज्ञा से भाई कुंडलनी जाते जाते नीचे तो नहीं गिर जाती, सब कहते थे मेरे को भाई ध्यान में कुछ भी दिखाई नहीं देना चाहिए। हाँ, ये आपने आपने बहुत अच्छा किया आंटी जी पूछकर, क्योंकि आपके प्रश्न के जरिए बहुत सारे लोगों के प्रश्न इसमें हल हो जाते हैं। पूछना जरूर चाहिए, जिसमें जो भी जिज्ञासा आए, हमें आपस में जरूर बातचीत करनी चाहिए। आप जरूरी नहीं कि मेरे से पूछें, अन्य सहजियों से भी आप बात कर सकते हैं, और सबका अपना अनुभव होता है, सब अच्छे सहजी हैं तो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। बहुत अच्छा किया जय आपने श्री बता के, माता, बहुत अच्छा पूछा। जय श्री माता जी। जय श्री। जी एनीवन एल्स? जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जी आज ध्यान तो इतना ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा शांत और इतना गहन था कि कभी कभी ऐसा होता ना कि जैसे आज तो मतलब बहुत लंबे समय बाद जब आप बहुत गहन उतरते हो ना, तो आपको मतलब आप एक ऐसी गोद में होते हो कि आपको पता ही नहीं चलता कि मतलब आपके आसपास कुछ हो भी रहा है, आपको कुछ सुन भी रहा है कि आपको कुछ नहीं सुन रहा। तो जी आज ऐसे अपनी चेतना को सामूहिकता के साथ मतलब उनको अपने हृदय में महसूस करना और फिर सामूहिकता में खुद के अस्तित्व को महसूस करना, तो उसी उसी जिस समय आपने ये बोला ना, वो उसी समय जैसे होता ना कि हमारी चेतना जैसे पूरी तरह जैसे भूतत्व पे आके जैसे पूरे डिसॉल्व होना स्टार्ट हो गई अपने आप ही, जैसे हाँ कोई एक जी चीज मेल्ट होती जाती है ना एक दूसरे में और कुछ पता ही नहीं चलता कौन क्या है मतलब। जी तो आज ऐसी वाली बहुत, हाँ ऐसे वाली फीलिंग मतलब आई थी, और जो हार्ट था जैसे आज एक अलग जो स्पेशल हुआ कि जैसे हमारे तीनों हार्ट होते हैं और जो हमारे तीनों आज्ञा होते हैं, तीनों आज्ञा के पॉइंट्स और तीनों हार्ट के पॉइंट, तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक हार्ट में एकदम जो एक कुछ वाद्य जैसे हमेशा बजते रहता है, मतलब आप कहीं भी हो बट आपको कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा, बस केवल आपको वो महसूस हो रहा है। पूरे ध्यान के दौरान मेरे को वो हार्ट में जो वो गुंजन था वो पूरे एंड तक मतलब वो एज इट इज रहा, उसमें कुछ चेंज नहीं आया मतलब। तो मतलब जैसे आप स्टेप बाय स्टेप कुछ जैसे नीचे उतरते हो बट वैसे आप ऊपर की तरफ चलते हो, और बहुत एकदम ऐसे अपने अपने अस्तित्व को एकदम ऐसे पूरा एक मतलब जैसे कोई रेत का कण कैसे होता है ना, छोटा सा पार्टिकल कैसे कहीं चमकता है मतलब, उतना उतना सब कुछ, ना कान है ना नाक है ना आंख है ना कुछ ऐसे सांस का कुछ आना जाना महसूस हो रहा है, बस आप कहीं बिल्कुल एक ऐसे कहां दूर जाके मतलब बहुत परे जाके बस आप एक खुद उसमें पूरे सिमट जाते हो। बिल्कुल, बहुत सुंदर है बात ये। तो आज
आज मतलब ये मेरा बहुत ही सुंदर था कि मैं बहुत, आप क्या बोल रहे हो, आपने बोला कि मेल्ट होना है, बट उससे पहले मतलब पूरी तरह वो मेल्टिंग का प्रोसेस पहले शुरू हो गया। मतलब ऐसे बोलूं कि जब आपने बोला तो मेरा मेल्टिंग वो विशुद्धि तक आ गया। मतलब उस हिसाब से हम लोग ऐसे जैसे हो जाता ना कि जैसे एक चीज आप बोल रहे हो पर इधर बह रहे हैं, उधर उसी तरह बहते जा रहे हैं, उसमें कुछ जी बहने में सुनने में कुछ अंतर नहीं हो रहा है। मतलब वो मेरा जितना मतलब फीलिंग बहुत ही अच्छी थी कि अब जैसे कोई, अब कोई विचार नहीं आता, अब कोई कुछ ऐसे स्तर पे ऊर्जा का स्तर, तो मतलब ऊर्जा तो बहते होगी कि जैसे एक ऊर्जा का जो कॉम्बिनेशन नहीं बन जाता हृदय से जैसे उठेगी सहस्त्र से, तो ऐसे जैसे ऊर्जा का ये जो प्रोसेस होता है, मतलब पहले ऊर्जा ऐसे फील होती है पर ये ऊर्जा ऐसे ऐसे फील हो रही थी हार्ट से लेके सहस्त्र तक। एक जैसे नेट आपका अगर बन जाता है कि आपको वेग तीव्र हो जाता है, उसका मतलब उसकी डेंसिटी बहुत बढ़ जाती है और वो सब चीजों को ओवरलैप करते हुए ऐसे आप बहुत उसमें पूरे खो जाते हो। मतलब बिल्कुल बिल्कुल तो आज मेरा तो कहीं भी एक, अब बिल्कुल भी कहीं मतलब वैसी अवेयरनेस नहीं आई कि मैं आंखें खोलूं मैंने कुछ देखा या वैसे, वो बिल्कुल एंड तक बस एकदम बिल्कुल ऐसे गया कि जैसे 2 मिनट में ध्यान हो गया, 2 मिनट जैसा महसूस हुआ कि इतना एकदम 2 मिनट में ध्यान हो गया। एक्चुअली क्या है कि ये जो अनुभव था ना आज का, आपने बिल्कुल सही अनुभव किया है। ये हमने स्वयं की सूक्ष्मतम अवस्था का अनुभव किया है। सूक्ष्मतम यानी कि सटलेस्ट फॉर्म ऑफ आवर ओन बीइंग, जहां पे अस्तित्व विहीन है, अस्तित्व है ही नहीं, केवल हमारी पूरी चेतना, हमारी चेतना सूक्ष्मतम अवस्था में, सटलेस्ट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, और उसमें ही हम मौजूद हैं, हम उसके अंदर भी मौजूद हैं, यानी कि वी आर फ्लोइंग इन दैट सटलेस्ट फॉर्म टू। उस सूक्ष्मतम अवस्था में भी हम फ्लो कर रहे हैं एक ऊर्जा के रूप में, तरल पदार्थ के रूप में, और हमारा अस्तित्व कुछ था ही नहीं। बिल्कुल अपने अच्छा अनुभव किया, सही अनुभव किया है। और रहा सवाल दृश्य का, वो अपने अपने यंत्रों की आवश्यकता के मुताबिक दृश्य आते हैं, लेकिन बाद में समाप्त हो जाते हैं, जैसे आंटी जी ने भी बताया। वो मतलब वो तो एक पार्ट एंड पार्सल है, वो तो धीरे धीरे एक प्रक्रिया का हिस्सा है। तो बहुत आज अच्छा अनुभव था, और आपका अनुभव काफी हद तक बिल्कुल एक मतलब एक सत्य घटनाक्रम है। ये जो आज की घटना घटी है उसका एक हिस्सा ही था। जी हम सब उसी के एक, समझ लीजिए कि एक साक्षी और अनुभव करने वाले रहे हैं इस सारे घटनाक्रम का। बहुत सुंदर, जी बहुत सुंदर है जी। अन्य कोई? रवि भी बताएंगी। नहीं, जो भी बताना चाहे कोई भी, अभी तो बहुत सारे लोग हैं। जी और कोई आ रहा है बताने? जी जय श्री माता जी। भैया जी बहन, जय श्री माता जी। भैया आज का ध्यान फर्स्ट हाफ तो एकदम शून्य में ही रही, जबकि लास्ट टाइम मेरे को काफी थॉट्स आ रहे थे 15-20 मिनट, पर आज बिल्कुल स्टार्टिंग से शून्य अवस्था थी और जी ऐसे लग रहा था कि हृदय हृदय भी थोड़ा नेट अटक गया है इस वक्त। अभी अभी दोबारा कंटिन्यू होगा, शायद थोड़ी देर में आ जाए। नेट बीच बीच में अटक जाता है। बहन जी मेरी अगर आवाज आ रही है आपको, तो बस मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इधर नेट अटका हुआ है। एक कितने ज्यादा मिनट शिव माता जी के हम ऐसे प्यारे बच्चे बन गए ना शिव माता जी, कितना सुंदर सामूहिकता में और इतना सुंदर सुंदर अनुभूति हमें सबको महसूस।
करा रही हैं। आज की खास करके सामूहिकता को इतना अच्छे से मैंने फील किया जब जी मिया ने बोला सामूहिकता पर। सामूहिकता को अपने भीतर ऐसे महसूस किया, बहुत तेज फ्लो था पूरे हृदय में, हाँ इतना जी, राइट राइट, हाँ हार्ट में भी रमनी बहुत अच्छा बहन, फ्लो था। बीच में रमनी बहन, बीच में ना नेट चला गया था, आप जो पहले बता रहे थे रिपीट कर दीजिए प्लीज। नेट को वास पसंद जब ध्यान चलता है तो नेट डिस्टर्ब नहीं होता है, लेकिन बातचीत में जरूर डिस्टर्ब होता है। पता नहीं क्या बीमारी है इसको, दोबारा रिपीट कर दीजिए क्योंकि कुछ भी नहीं पता क्या हुआ। थी कि जो जब ध्यान शुरू हुआ तो आज मतलब जैसे ब्लेस था कि वो शुरुआत में ही शून्य में मैं थी, जबकि जी पिछली बार मेरे को बहुत थॉट्स आ रहे थे, तो जी जी इस जी बार ऐसा था एकदम शून्य, अंदर से खाली मैं हूँ और बहुत अच्छे से सामूहिकता से जुड़ी। मुझे ऐसे लग रहा था भैया जैसे सबकी कुंडलियां मेरे सहसार से ऊपर की ओर, सभी इकट्ठे ऊपर की ओर ही जा रहे हैं, जी नीचे थे ही नहीं, मतलब सहसार फील हो रहा था और पारब्रह्म परमेश्वर की, और जैसे चुंबक लग जाता है ना, मतलब मैंने महसूस किया कि सब कुछ ऐसे यूं, मतलब बहुत सारा एक समूह ऊपर की ओर खींचा चला जा रहा है, मतलब सहसार से पारब्रह्म परमेश्वर की ओर। और उसके बाद जैसे आपने भैया कहा कि हमारे जीवन के कई बार कुछ लक्ष्य होते हैं भैया, वो तो आते हैं, हम हमारा नो डाउट जो लक्ष्य तो यही है, गहनता को पाना और अन्य साधकों को भी गहनता में ले जाना, पर हमारे जीवन में भैया लक्ष्य तो और भी आते ही रहते हैं, हमारी जो लाइफ चलती है कभी कोई चीज सामने, पर हम उससे चिपकते नहीं है, तो ये भी अंदर से एक एक पल के लिए थॉट आया था कि मतलब जो भी लक्ष्य संसारिक भी आते हैं, अगर हम चिपकते नहीं तो रहते हैं, ठीक है इस लक्ष्य को पूरा हम कर पाते हैं या नहीं कर पाते, ये माँ की इच्छा पे छोड़ देते हैं, तो बड़ी स्मूथ लाइफ चलती रहती है, मतलब तो कुछ डिस्टरबेंस नहीं होती। उसके बाद भैया सेकेंड हाफ में जब हम पूरी सामूहिकता को अपने भीतर महसूस करके, वो बहुत सुंदर है साथ। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ए हो फिर अटक गया ये। फिर अटक गया बहन। उसमें फिर ऊर्जा बहुत, दीदी को फिर से बोलना पड़ेगा, नहीं, सेकंड हाफ ही बोल हाँ जी हाँ जी हाँ जी। नहीं अभी अभी अटका था, अभी थोड़ी देर के लिए अटका था, 30 सेकंड के लिए। श्रीमती जी के बच्चे सब मेरे हृदय में आग बाग के, वैसे तो होती है हृदय हाँ में, और उर्जा भी वैसे थोड़ी, तो आई आवाज भैया जी, आ रही है आ रही है, सुन रहा हूं मैं। 30 सेकंड के भैया लिए रुक गया सेकंड जी। हाफ में ऐसा था जब हमने अपने को अपने भीतर सारी सामूहिकता को और मतलब उनकी आत्मा से इन सब के बीच इतनी ऊर्जा थी, चिल बहुत ज्यादा, मतलब पूरा हृदय तीनों चक्र ऊर्जा से इतने लबालब भर रहे थे, फिर वो ऊपर को उठना शुरू हुआ, मतलब पहले हाफ में ऊर्जा नहीं फील की, सिर्फ वो खिंचाव चुंबक की तरह, दूसरे में ऊर्जा ही ऊर्जा थी, जब भी आप कुछ बात करते थे उसके साथ ही इतनी ऊर्जा से भर जाते थे, और ये बड़ा सुखद एहसास था, और हृदय बहुत आनंद से भर रहा था सबको अपने भीतर महसूस करने पर, बड़ा मजा आ ये रहा था। था मेरे साथ, बहुत मजा अब आप एक चीज देखिए कि आया। मजा क्यों बढ़ रहा है, ऊर्जा क्यों बढ़ रही है, जब हम अपने अस्तित्व विहीनता वाली स्थिति का आनंद ले रहे हैं, नॉन एग्जिस्टेंस का, यानी कि एग्जिस्टिंग कंडीशन में हमें ऊर्जा में कमी आती है क्योंकि हमें संसार की चीजें आती हैं, बार बार टकती हैं, लेकिन जब नॉन एग्जिस्टिंग स्टेट में होते हैं हम, तो ऊर्जा, भरपूर ऊर्जा, भंडार ऊर्जा का, बिल्कुल, क्योंकि
जिसे हम नॉन एग्जिस्टेंस कहते हैं वो वास्तव में परमात्मा की एग्जिस्टेंस है। नॉन तो संसारिक स्तर पे हो गई ना, नॉन तो संसारिक स्तर पे हो गई है, लेकिन एक्चुअल में गॉड की एग्जिस्टेंस के साथ होते हैं हम। तो नॉन एग्जिस्टेंस इज इक्वल टू द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, इसीलिए एनर्जी भरपूर होती है। इसलिए शून्य अवस्था का अपना आनंद है, जो शून्य अवस्था है वही असली अवस्था है ध्यान की। और इस शून्य अवस्था को जितना हम प्रोलोंग करते चले जाते हैं, जितना इसे बढ़ाते चले जाते हैं, जितना इसको हाइट पे ले जाते जाते हैं, हमारा जॉय एनर्जी सब बढ़ती चली जाती है। तो ये सारी चीजें बढ़ती जाती हैं बहन। हाँ, अब आ रही होगी मेरी आवाज, ये बार बार बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो जो जो नॉन एग्जिस्टेंस वर्ड है ना, ये बेसिकली ईश्वरी ईश्वर का एहसास है या ईश्वर की अभिव्यक्ति है। अब एक बहुत सरल बात है समझने के लिए कि ईश्वर है कहाँ। ईश्वर तो ना कहीं आते हैं ना कहीं जाते हैं, ईश्वर तो सदा सनातन है, हर जगह उपस्थित है, लेकिन हमें क्यों नहीं महसूस होते? क्योंकि हम संसार की गतिविधियों में अटैच रहते हैं। और जब हम कहते हैं चलो भाई अब तो हम ध्यान में बैठेंगे, अब हम ध्यान में बैठेंगे, तो हम क्या करते हैं, संसार की चीजों को अपनी चेतना से हटाना शुरू कर देते हैं कि नहीं नहीं भाई अब हम ना संसार की बातें नहीं सोचेंगे, अब हम केवल 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 ध्यान में उतरेंगे। तो हटाया हमने है, गॉड तो पहले से ही थे, और जैसे ही हमने संसार की बातों को अपने चेतना से हटाया वो तो पहले से ही सनातन थे, हमें महसूस होने लगे। बस इतना सा ही खेल है। तो ध्यान एक अभ्यास है जो सदा सनातन परमपिता परमेश्वर को महसूस करने का, जो सदा से उपस्थित हैं, ओमनी प्रेजेंट हैं, वो हर जगह कण कण में व्याप्त हैं, हमारे भीतर भी हैं बाहर भी हैं। बस केवल जरूरत क्या है, संसार को झाड़ू लगाने की अपने अंदर। जैसे हम कमरे का कूड़ा झाड़ू से समेट देते हैं ना, तो ऐसे ही हमें अपने अंदर का अंतःकरण में जो संसार नाम का कचरा है उसे एक साइड कोने में कर देते हैं, परमात्मा का अनुभव होने लगता है। एंड दिस इज द स्टेट ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस, कि संसार एग्जिस्ट नहीं कर रहा। दिस इज द स्टेट व्हेन वर्ल्ड, दिस विजिबल वर्ल्ड डू नॉट एग्जिस्ट, दिस इज द सेम स्टेट। दैट्स व्हाई वी फील द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। कितनी सरल है बात समझने के लिए। ध्यान में इसलिए करना कुछ नहीं है, ध्यान में कुछ नहीं करना है, इसलिए केवल और केवल एक अभ्यास बनाना है कि भीतर के अंदर जो संसार बिखरा हुआ है कूड़े की तरह, उसे समेट के एक साइड डाल देते हैं, गॉड का अनुभव होने लगता है। हो गया ना सरल? के माध्यम से तो बहुत सारी चीजें ही सरल हो गई हैं, बहुत ही ज्यादा सब सरल होते जा रहे हैं। देखिए जितनी भी ये खोज वो जैसी चीजें हैं सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, पर करना कुछ नहीं होता है इस खोज में। करना कुछ नहीं है, कहने को खोज है, बस करना क्या है, अपने अंदर के संसार को समेट देना है एक साइड। बस संसार को नष्ट नहीं करना है, उसे एक साइड समेट देना है। और जब ये बारंबार बारंबार समेटने का अभ्यास करते चले जाएंगे तो एक समय आएगा कि हमें संसार अपने भीतर अनुभव ही नहीं होगा, केवल और केवल हमें परम का कुछ अनुभव समेटना होता ही नहीं रहेगा। पड़ेगा। बस तो रमनी बहन, मेरा कहने का मतलब ये था, अभी आपने लक्ष्यों की बात करी थी कि लक्ष्य अभी आते हैं, है ना बहन? और मैंने जब ये ध्यान चला था तो वो लक्ष्य विहीनता की बात चल रही थी, तो आपने कहा भी लक्ष्य तो महसूस होते हैं, लेकिन साथ में मैं ये बताना चाहता हूं
ये लक्ष्य विहीनता हम में से बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं इसमें ध्यान में, या आने वाले समय में जो इस वीडियो को देखेंगे ऐसे बहुत से लोग होंगे जो लक्ष्य विहीनता का अनुभव करते हैं। हम में से कुछ लोग भी करते हैं लक्ष्य विहीनता का अनुभव। तो ये लक्ष्य का एहसास लक्ष्य विहीनता से पहले की अवस्था है। एक दिन लक्ष्य सिमट जाएंगे, लक्ष्य भी नहीं रहेंगे, आपके बस कर्तव्य रह जाएंगे, लक्ष्य समाप्त हो जाएंगे। और संसारिक कर्तव्य समाप्त नहीं होते हैं, जब तक हमारी सांस में सांस है संसारिक कर्तव्य लक्ष्यों का स्थान, संसारिक लक्ष्यों का स्थान संसारिक कर्तव्य ले लेंगे, या ये कहूं मैं कि संसारिक लक्ष्य संसारिक कर्तव्यों में समा जाएंगे या ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। संसारिक लक्ष्य का होना, संसार का एग्जिस्ट करना है हमारे भीतर में। मैं कह रहा था कि संसारिक लक्ष्यों का होना अभी हमारे भीतर में संसार का होना बता रहा है कि संसार अभी हमारे अंदर एग्जिस्ट करता है। लेकिन लेकिन जल्दी ही ये धीरे धीरे लक्ष्य विहीनता में परिवर्तित हो जाएगा। और लक्ष्य विहीनता अच्छे लक्षण है हमारे आंतरिक जगत के लिए। हाँ जी, तो रमणी बहन में ये कह रहा था कि जो लक्ष्य विहीनता का एहसास है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, और एक दिन आप खुद ही कहेंगे कि अब मुझे लक्ष्य समझ में नहीं आते संसार के, अब तो बस मैं कर्तव्यशील हूं, जो कर्तव्य मुझे नजर आता है मैं उसे कर देती हूं, लक्ष्य मेरा कोई नहीं। जो लक्ष्य हैं वो वही हैं जो अंदरूनी लक्ष्य हैं, ईश्वरीय लक्ष्य हैं, केवल वही रह जाते हैं बस। मेरी आवाज आ रही है रमणी बहन? हाँ जी 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 भैया, मेरा एक मैं एक और इसको और क्लेरिफाई करिए, लक्ष्य और कर्तव्य में बहुत मुझे कम अंतर महसूस होता है ऐसा, हाँ पर आपने बिल्कुल डिफरेंट बता दिया कि मतलब लक्ष्य सिर्फ परमात्मा के प्रति हमारे भीतर होना चाहिए, आपने ये कहा है। तो कर्तव्य और लक्ष्य का अंतर सुनिए, बहुत सरल है। अब उदाहरण देके बताऊंगा रमणी बहन। अब हाँ जैसे जी चैतन्य है, अभी उसकी शादी नहीं हुई, तो आपका लक्ष्य है चैतन्य की शादी हो जाए, और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो कर्तव्य पूरे करने हैं वो कर्तव्य की श्रेणी में आते हैं। अंतर है बहुत बड़ा हमारा। एक्चुअली हमने जो लक्ष्य बनाया है वो ठीक नहीं है, हमें लक्ष्य नहीं बना सकते इस चीज का कि ये हमारा लक्ष्य है। हमको लक्ष्य से हटकर कर्तव्य में आना है। लक्ष्य और कर्तव्य में क्या अंतर है? लक्ष्य स्थापित करता है हमारा माइंड, और कर्तव्यशील बनाता है हमारा हृदय। जमीन आसमान का अंतर है। परमात्मा करेंगे उस पे छोड़ देना है ना, छोड़ा भी हुआ है ऐसी बात लक्ष्य, नहीं है। संसारिक लक्ष्य बनाना एक तरीके से एंटी गॉड है, क्योंकि हम परमात्मा की इच्छा के ऊपर अपनी इच्छा लाद देते हैं। पॉइंट टू बी समझ नोटेड, गए भैया, समझ में आ गया आपको? बिल्कुल। अब जैसी परमात्मा की इच्छा होगी आप वैसे कर्तव्य पूरे कर देंगे। तो कर्तव्यशील में, कर्तव्यशीलता हमारा हृदयगत है जो स्वाभाविक है, प्रकृति प्रदत्त है, परमात्मा प्रदत्त है कर्तव्यशीलता। लेकिन लक्ष्य में जो है हमारा जो टारगेट मेकिंग है वो एक तरीके की फुलिशनेस है, अज्ञानता है एक तरीके की, कि हम होते कौन है लक्ष्य बनाने वाले? हु आर वी? क्या हमारे टारगेट बनाने से ईश्वर वही कर देंगे जो हमने टारगेट बनाया? क्या वैसे ही संपन्न कराएंगे?
दैट्स द पॉइंट. कंडीशनिंग हमें लक्ष्य बनाने के लिए प्रेरित करती है. कंडीशनिंग के कारण हम लक्ष्य बनाते हैं. अगर ये कंडीशनिंग ना होती तो लक्ष्य भी ना बनते. तो लक्ष्य जो है हमारी आध्यात्मिक यात्रा के लिए, आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए हानिकारक है. हमको मुक्त रखना चाहिए, मुक्त रखना चाहिए. अगर लक्ष्य बना लिया आपने तो आपके ऊपर एक प्रेशर आ जाता है, एक प्रेशर आ जाता है आपकी चेतना पे. आपकी चेतना उन लक्ष्यों से दबने लगती है. लेकिन यदि आप कर्तव्यशील होते हैं, लेकिन यदि आप कर्तव्यशील होते हैं तो आप मुक्त होते हैं, क्योंकि आपने कोई लक्ष्य तो बनाया नहीं है. आपने वो सारे लक्ष्य, जो सो कॉल्ड लक्ष्य हैं, वो परमात्मा के ऊपर छोड़ दिए कि आप देखो जी, ये हमारे बस की तो है नहीं चीज ये. और एक सत्य भी है, मृत्यु, विवाह और जन्म मनुष्य के हाथ में तो है ही नहीं. इन तीनों अवस्थाओं में हम अपने कर्तव्य का पालन कर सकते हैं. अभी जैसे प्राची ने बताया, उनकी दादी जी गुजर गई, तो जो भी पारिवारिक सदस्यों ने कर्तव्य पूरे करने से कर दिए, क्या कोई परिवार का सदस्य किस अपने बड़े की मृत्यु का लक्ष्य स्थापित कर सकता है? क्या हम ये कहें कि भाई हमारा तो एक लक्ष्य है कि हमारे पिता की मृत्यु होगी तो हम उनका ये करेंगे? रॉन्ग है ना ये चीज. ये तो क्या हम जन्म का लक्ष्य स्थापित कर सकते हैं कि हमारे अपने बच्चे के संतान होगी तो हमने लक्ष्य बनाया है वो हमारे बच्चे के संतान हो जाए? क्या ये संभव है? इवन जो नवविवाहित हैं, क्या वो भी ये लक्ष्य बना सकते हैं कि हमें संतान प्राप्त करनी है, इस तरीके की संतान होनी चाहिए, उसका रंग ऐसा होना चाहिए, वो लड़का होगा कि लड़की होगी? क्या कोई नवविवाहित या कम उम्र के लोग जिनकी संतान नहीं है, क्या वो लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ये मनुष्य के हाथ में नहीं है. और ये भी एक बहुत बड़ा भ्रम है, अरे भाई हमारे बच्चे हैं, हमारा हम उन्हें सेट करना है उन्हें. ये भी एक बहुत बड़ा भ्रम है. हम सेट करने वाले कोई होते ही नहीं, ईश्वर सेट करेंगे. उनके प्रति हमारे जो दायित्व हैं, जो कर्तव्य हैं, हमें उन्हें पूरा करना है, दैट्स ऑल. तो इसीलिए लक्ष्य जो हैं भ्रामक होते हैं, और इसीलिए लक्ष्य विहीनता का जो एहसास है वो बहुत सुंदर एहसास है. जब हम ईश्वर की तरफ चलते हैं ना, तो संसार वाली सारी थ्योरी उलट जाती हैं, बदल जाती हैं, वो एकदम उलट जाती हैं, एकदम विपरीत होती हैं. संसार की चीजों के लिए, संसार के जीवन के लिए हम हमेशा हम सुनिश्चितता ढूंढते रहते हैं. हर चीज एक सर्टेन हो जाए, हर चीज सर्टेन हो जाए, हमारी इनकम सर्टेन हो, हमारा खाना पीना सर्टेन हो, हमारे जो सुख सुविधा सर्टेन हो. हम पूरी जिंदगी इन सारे संसारिक चीजों को सर्टेन करने के लिए मारामारी करते हैं रात दिन, और यही सारी चीजें छूट जानी है. और ईश्वर के प्रति हमेशा अनसर्टेन रहते हैं कि पता नहीं उनसे जुड़ पाएंगे नहीं जुड़ पाएंगे. बिल्कुल उल्टा है. ईश्वर के प्रति सर्टेनिटी को पैदा करना होगा और संसार के प्रति अनसर्टेनिटी को मेंटेन करना होगा, तब जाकर बड़ा मजा आएगा इस जीवन को जीने में. ईश्वर को साधना के जरिए अपने नजदीक सर्टेन करना होगा, हाँ ईश्वर तुम तो मेरे हृदय में रहते हो, हाँ ईश्वर आप ही तो हो जो मेरे चारों तरफ हो, हर पल हर घड़ी मेरे चारों तरफ आप ही तो रहते हो, हाँ ईश्वर ये कर लेते हैं। आप ही तो सारे संसार मेरे में व्याप्त हो. अनुभव प्लीज बात मत कीजिए, अपना म्यूट कर लीजिए जो बात कर रहे हैं आपस में. हे ईश्वर, आप ही तो सारे मानवों के भीतर में मौजूद हो, आप सुनिश्चित हो ईश्वर, क्योंकि आप कण कण में व्याप्त हो इसलिए आप सुनिश्चित हो. और ये संसार, संसार तो परिवर्तनशील है, संसार तो पूरी तरह अनिश्चित है, इसका क्या पता कल को क्या हो जाए. तो ये जो सिद्धांत हो गया, ये बिल्कुल उल्टा हो गया. आम स्थिति में हम ईश्वर के प्रति अनसर्टेन होते हैं,
और संसार के प्रति सर्टेनिटी को स्थापित करने की पूरी जी तोड़ कोशिश करते हैं। लेकिन अब हमें श्री माता जी की तरफ चलना है, हमें ईश्वर की तरफ चलना है, तो हमें बिल्कुल उलट देनी चाहिए चीजें। तो हमारे लक्ष्य नहीं होंगे, हम लक्ष्य विहीन होंगे, तो हम बहुत आनंद की स्थिति में होंगे, हमारे ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर नहीं होगा, हम बिल्कुल भी परेशान नहीं हो रहे होंगे। तो रमनी बहन, ये है चीज, और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात थोड़ी बहुत समझ में आ रही होगी। भैया पूरी समझ आ गई, आ वैसे हम गई, पूरे आनंद में हो। आप ही के उदाहरण को देना पड़ा मुझे। जय श्री माता दी। एक सेकेंड, एक सेकेंड। पता नहीं दिल को कैसे पढ़ लेते, जो अंदर चलना कुछ पल के लिए वो ही आपने बोल दिया। क्योंकि हम सब सामूहिक है ना, तो हमारे हृदय के भाव भी तो सामूहिक हो गए, एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर हो सकते हैं। आज का ध्यान भी यही था ना। हाँ, एकीकृत होना है ना, इंटीग्रेशन, इंटरनल इंटीग्रेशन, एंड वी आर स्टिल इंटीग्रेटेड, दैट्स व्हाई थॉट्स आर कमिंग। एक दूसरे के जो थॉट्स हैं, एक दूसरे के हृदय में आ जाते हैं, इसीलिए इंटीग्रेशन के कारण ही। तो एक बहुत सुंदर, एक समझ लीजिए एकाकारिता है। और कोई प्रश्न रमनी बहन, कोई और जिज्ञासा? जी, जय श्री माता जय श्री जी, माता जी, जय श्री माता जी, आंटी जी। जय श्री माता जी। भाई माना तो जी आज पूरा तो सहस्त्रार दुखा। दुखा हाँ सहस्त्रार में पूरे में दुखन रही। जी, हाँ जी, हाँ जी। बैक के हृदय में, बैक का जो हृदय है वो ठंडा था। अच्छा, हाँ उसमें ठंडा था, बाकी सहस्त्रार अरे आंखें इनमें दुखन रही, पूरा सहस्त्रार दुखता आज। आज चूंकि हमारा जो हमारी चेतना और चित्त सामूहिकता पे था, तो सामूहिकता के हिसाब से आपके सहस्त्रार के छिद्र अभी खुलने शेष हैं, अभी सहस्त्रार के छिद्र पूरे खुले नहीं हैं, इस कारण से पेन हुआ है आपको। अभ्यास बना के हाँ आज रखिएगा। पूरा सहस्त्रार हाँ दुखता हाँ आज। हाँ हाँ बिल्कुल, उसमें उसमें दर्द आ रहा होगा, क्योंकि हाँ ऊर्जा तो बहुत थी, लेकिन छिद्र पूरे खुले नहीं थे, उसका जो प्रेशर था, इस कारण से आपको पेन आया है। पर वो थोड़े दिन में समाप्त हो जाएगा। आप ध्यान का ऐसे ही अभ्यास कीजिएगा, सामूहिकता पे चित्त रख के करेंगे, तो आपका ये 5 7 10 दिन में इसमें आराम मिल जाएगा। अभी पूरा खुला नहीं है, इस कारण से आ रहा है, और इसीलिए आज्ञा में भी हाँ पेन बस आया। जी कोई बात नहीं है, मतलब ये कोई ऐसी कठिन समस्या नहीं है। समस्या तो कुछ नहीं, श्री माता जी जाने, जो भी कुछ जाने, क्या हाँ हो रहा क्या नहीं हो रहा। हाँ लेकिन थोड़ा सा हमें भी जानना चाहिए कि क्या हो रहा है, अगर हम थोड़ा जान लेंगे तो हमें सुधार कर पाएंगे इसको। तो आपके लिए सबसे आसान अभ्यास ये होगा, आगे से आप चाहे कहीं भी बैठे हो, जरूरी नहीं कि ये वाला सेशन तो शनिवार का शनिवार होता है, लेकिन आप प्रतिदिन हाँ प्रतिदिन जितनी भी सामूहिकता है उस पे अटेंशन डाल के ध्यान कीजिए आप, तो आपकी ये चीज ठीक हो जाएगी, हाँ ये चीज ठीक हो जाएगी आपकी, ठीक ये अभ्यास आपको बनाना चाहिए। ठीक है भाई। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। मेरा एक क्वेश्चन है, हाँ जसलीन बोलो। रमनी दीदी के कॉन्टेक्ट से ही रिलेटेड है कि सांसारिक चीजों के लिए हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। पर एक बार मेरी आपसे बात हो रही थी, तब आपने कहा था कि हाँ जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हम एक लक्ष्य के साथ बैठते हैं, पर उसके आगे की बात मुझे याद ही नहीं आ रही। मतलब हम मेडिटेशन में, हम जब ध्यान में बैठेंगे तो हम एक लक्ष्य के साथ बैठेंगे, वहां हाँ हमारा लक्ष्य होना जरूरी है। तो मैंने तो अभी आज भी वही, आज भी मैं वही कह रहा हूं कि हमारे लक्ष्य ये होते हैं। आगे की चीज को नहीं याद कर पा रही कि जब हम ध्यान में बैठेंगे तो हम क्या लक्ष्य लेके बैठेंगे, कि हमारा हमारी चेतना की उन्नति और हम उससे आगे कैसे बढ़े, हमें मुझे याद। हमें कोई चीज लक्ष्य फिक्स नहीं करना। हाँ जिस क्षण जिस घड़ी
हम ध्यानस्थ हों तो अपने हृदय की तरफ अपनी चेतना को ले जाके देखें कि आज हृदय में क्या आ रहा है, आज आ क्या रहा है मेरे हृदय में, उसके मुताबिक लक्ष्य बनाएं। जैसे कि आज हमारे अंदर आया, अरे भाई बरसात हो रही है, आज का हमारा लक्ष्य है बरसात का आनंद लेंगे ध्यान में, तो बस ये बरसात की बूंदों के अंदर अपनी चेतना को एकाकार कर लो, बादलों में एकाकार कर लो और उस बरसात का आनंद लो। वर्तमान स्थिति में हमारा हृदय गाइड करेगा कि आज का क्या लक्ष्य है। अब जैसे आप ये देखते हो जूम सेशन में, मुझको 10 सेकंड पहले भी नहीं मालूम होता है कि अब क्या चलेगा, ध्यान किधर को जाएगा, क्योंकि मैं दिमाग में है ही नहीं कुछ भी कि क्या होगा, हृदय से जो आता जाएगा वैसा ध्यान चलता जाएगा, तो कोई लक्ष्य नहीं है ना। लेकिन एक लक्ष्य तो है ना, लक्ष्य क्या है, जो हृदय से आएगा वो ध्यान होगा, ये लक्ष्य है। गॉट माई पॉइंट? हाँ या कई बार हमारा हृदय एक चिंतन का लक्ष्य दे देता है कि आज हृदय कह रहा है भाई इस वाले पॉइंट पे चिंतन किया जाए, तो हम चिंतन करें। मुख्य लक्ष्य तो हमारा आंतरिक ग्रोथ ही है ना, लेकिन हाँ जो इस मुख्य लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए हमारा हृदय छोटे छोटे लक्ष्य हमें ध्यान की अवस्था में देता रहता है, उसके मुताबिक हमें ध्यान में उतरना होता है। तो लक्ष्य विहीनता है केवल हमारे संसारिक चीजों के लिए, और लक्ष्य के साथ हमें ग्रोथ की तरफ जाना है, ये हमारे लक्ष्य होना चाहिए, राइट? जी, तो कर्तव्य और लक्ष्य में अंतर समझ में आ ही गया होगा। ये तो जीते ही है। अंतरिक वाला समझना चाह रही थी। बहुत सुंदर बातें की भैया, ये चीजें सचमुच बहुत हेल्प करेंगी हमें ईश्वर हाँ के प्रति सर्टेनिटी। ये तो बिल्कुल बहुत बड़ा सोल्यूशन दिया आज आपने। देखिए, सच है, हम अनसर्टेन हो जाते हैं कि ये ईश्वर ऐसा करेगा या नहीं करेगा। वाकई हो जाता है कई बार भैया, हम गलत हो जाते हैं कई बार ना। इस पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड में और ब्रह्मांड से परे केवल ईश्वर ही तो सर्टेन है, बाकी सब अनसर्टेन है। बाकी जो हमें दिखता है वो सारा परिवर्तनशील है। आप देखिए ब्रह्मांड में कितने सारी हलचले हैं, कितनी ब्रह्मांड में घटनाक्रम चल रहे होते हैं कि कोई धूम केतु आ रहा है, कोई तारा टूट रहा है, कोई एस्ट्रॉयड आ रहा है, कहीं जा रहा है, कहीं से बात से गुजर रहा है, ग्रह चल रहे हैं, है ना, कितनी सारी चीजें, आकाश गंगा घूम रही है, यानी कि सब चीज गतिमान है। लेकिन यदि कोई फिक्स है वो है ईश्वर जो हर जगह समाये है। आकाश गंगाएं भी अपने कोण बदलती रहती हैं, ग्रह अपने कोण बदलते रहते हैं, उनकी अंश और डिग्री चेंज होते रहते हैं, लेकिन ईश्वर का कुछ चेंज नहीं होता, केवल वही सर्टेन है। और यही सर्टेनिटी हमें अपने भीतर में स्थापित करनी है ईश्वर के प्रति, और बाकी सारा जगत जो ब्रह्मांड है सब परिवर्तनशील है, उनके स्वरूप बदलते रहते हैं, सब चीज गतिमान होने के कारण सारी चीज डायनामिक है, लेकिन एक चीज स्टैटिक है, ईश्वर और ईश्वर का एहसास स्टैटिक है। तो जो भी जीवन है पूरी रचना में उसकी जो धुरी है वो ईश्वर है, और सारा जगत परिधि के रूप में है, तो धुरी रूपी ईश्वर के चारों तरफ पूरी रचना परिक्रमा करती है, ऐसे समझ लीजिए, है नहीं? तो ईश्वर के प्रति सर्टेनिटी को स्थापित करना ही हमारा लक्ष्य है। और एक चीज और बता दूं, एक चीज और बताऊं, बहुत ही एब्सर्ड चीज हम सोचते हैं
बहुत ही गलत चीज हम सोचते हैं। किस चीज के लिए? संसारिक चीजों के लिए कहेंगे, हे ईश्वर अब पता नहीं क्या करोगे आप। अरे संसारिक चीजों के लिए तो ईश्वर क्या करेंगे, वो तो पहले ही सुनिश्चित कर चुके जो करेंगे। संसार में जो होना है वो पहले ही सुनिश्चित करे बैठे हैं पहले ही। हमें उनसे कहना भी बेकार है कि भगवान अब क्या होगा, अब क्या करोगे। इसका मतलब हम इस परिवर्तनशील जगत में अटैच हो गए हैं अज्ञानता के कारण, और हमें इसकी परिधि पर नहीं रहना है। संसार रूपी परिधि पे हमें नहीं स्थापित होना है, हमें उसकी धुरी में स्थापित होना है। धुरी में, वहीं से स्थिरता मिलेगी, और फिर हमें ये कहना नहीं पड़ेगा प्रभु अब पता नहीं तुम क्या करोगे। वो तो वो कहते हैं बेटा मैं तो कुछ करता ही नहीं, जो फिक्स हो गई हो गई, मैंने तो कुछ करना ही नहीं है उसके बाद। पता नहीं मेरे से सब क्यों कह रहे थे, हर स्टेप पे हमसे कहेंगे प्रभु अब पता नहीं क्या करोगे आप, हे प्रभु आगे क्या होगा, आप क्या करने वाले हो। तो हम वो कह रहे हैं मैं तो स्थिर हूं, मैं तो कुछ करता वरता हूं नहीं, एक घटनाक्रम की स्थापना मैंने पहले ही कर दी। अब वो घटनाक्रम वैसे ही घटित होगा, मैं तो उसे परिवर्तित करने वाला हूं नहीं। क्योंकि आप लोग अशांत हो, आप लोग संसारिक लक्ष्यों से बाधित हो, आप लोगों ने संसार के साथ लिप्तता स्थापित कर ली है, तो इस परिवर्तन होने वाले संसार में लिप्त हो गए हो, तो इसलिए हर बदलते स्वरूप में आप चिंतित हो जाते हो, और चिंतित होकर कहते हो मेरे से कि अरे भाई क्या होगा, ये सारा घटनाक्रम तो मैं पहले ही फिक्स कर चुका। तो चिंतित होने की जगह अपने कर्तव्य पालन करने हैं हमने, बस चिंता को छोड़ के कर्तव्यों की तरफ ध्यान देना है कि जो मैं भेजता रहा हूं उसे आपने कर्तव्य पालन सही करते रहो, कहा। बस ये तो सारा मेरा खेल है। और मैं इस खेल में, इस खेल को बनाकर मैं इस खेल से परे चला जाता हूं, ऐसे समझ लो। इस खेल को बनाते हैं वो, इस फिर खेल से बाहर निकल जाते हैं और हमें उलझा जाते हैं वो, और हम बार बार उनसे कहेंगे ईश्वर जी पता नहीं कल को क्या होगा, हे भगवान अब की बार ये कर देना, भगवान जी मेरी नौकरी लगवा दो। और वो कह रहे हैं बेटा तेरी नौकरी तो 2 साल 6 महीने बाद अपने आप लग जाएगी, तू तो आज क्यों कह रहा है मेरे से, धैर्य रख, भगवान जी शादी नहीं हो रही। अरे भाई वो तो बहुत पहले फिक्स हो चुका, अपने काल में हो जाएगी, काहे को टेंशन लेता है। भगवान जी व्यापार बड़ा खराब चल रहा है, जब अच्छा चल रहा था तब तूने मेरे से कहा बहुत अच्छा चल रहा है, अब खराब भी क्यों कह रहा है, वो सब चीज पहले से ही फिक्स है, शांति रख। क्योंकि मानव है, मानव तू उस परिधि पर मौजूद है, तू परिधि के साथ भ्रमण कर रहा है, इसलिए तू हर चीज में बार बार परिवर्तित जो चीजें हो रही हैं उससे परेशान हो जाता है। तू धुरी में आ जा, यहां कोई परिवर्तन नहीं है। धुरी तो घूमते रहती है, घूमते रहती है। धुरी अपनी जगह रहती है, यहां कोई परिवर्तन नहीं है। और जिस दिन तू इस धुरी में आ जाएगा, तेरी जिज्ञासाएं संसार की और संसार के प्रति सारे लक्ष्य सब 0 होकर एक में समा जाएंगे, फिर तू मेरा अंग प्रत्यंग बनकर इस संसार का आनंद लेगा और औरों को भी आनंद दिलाएगा। तो ये धुरी के अंदर प्रवेश करना है, वो भी धुरी हमारे ही भीतर में मौजूद है। ये सारी चीजें चलती हैं, किसी की नौकरी नहीं लग रही, किसी की नौकरी लग के छूट गई, किसी का ये किसी का वो, ये सब रगड़म सड़गम, सब परेशान चिंतित। अरे जिसने धरती पे भेजा वो रोटी का भी व्यवस्था कर रहा है ना, हमें तो केवल अपने कर्तव्य पालन करने हैं। हाँ ये बात जरूर है, आज 4 रोटी हैं, कल को 2 हो सकती हैं, परसों 6 भी हो सकती हैं, और फिर 8 भी हो सकती हैं, फिर 1 भी रह सकती है। परिवर्तनशील है चूंकि। अब जैसे कि हमारी पृथ्वी घूमती है, अगर ये पृथ्वी घूमती है तभी सर्दी आती है, बरसात आती है, गर्मी आती है ना। और पृथ्वी का घूमना एक सुनिश्चित घटनाक्रम है जो फिक्स है कि ये ऐसे ही घूमेगी, और जब ये ऐसे घूमेगी तो बार बार सर्दी गर्मी बरसात आते रहेंगे लगातार।
और हम इस घूमने में लिप्त हो जाते हैं, कहते हैं अरे बाप रे, अरे बड़ी सर्दी है भगवान जी, इतनी सर्दी मत देना। और कभी आग उगलता हुआ सूरज होता है, भगवान थोड़ी हवा चला दो, बड़ी गर्मी लग रही है। भगवान जी मुस्कुराते हैं, अरे थोड़ा धैर्य रख, अभी बदल जाएगा कुछ समय बाद ही है। और फिर हमारे हमारे जैसे कुछ बड़बोले कहेंगे, भगवान जी आपसे प्रार्थना करी थी, देखो आपने हवा चला दी ना, गर्मी बहुत थी। मेरे जैसे बड़बोले कहेंगे, भगवान जी आपसे प्रार्थना की थी, हवा चला दो, चला दी। फिर हम अपने कॉलर ऊंचे करेंगे, देखा हमारे कहने से भगवान जी ने हवा चला दी। और वो मुस्कुरा रहे होते हैं, अरे थोड़े समय बाद तो अपने आप ही चलनी थी हवा। फिर हम बड़े उससे ये उत्साह, सुंदर रहा है ना आज फिर कि उत्साह में हमें आके, केवल अपने कर्तव्य पे ध्यान देना है। हाँ फिर उत्साह में आके कहेंगे, शिमाता जी 500 लोगों को रिलेशन देने जाना था और बरसात हो रही है धुआंधार, शिमाता जी बरसात रोक दो। तो माँ मुस्कुराती है, अच्छा तेरा उत्साह बढ़ाने के लिए ऐसा तेरे को एहसास दिलाती हूँ कि चलो रोकती मैंने है रोक दी। और वास्तव में हकीकत क्या थी, बरसात को तो वैसे ही रुकना था आधा घंटे बाद, पर हम खुश हो गए कि हमारे कहने से बरसात रुक गई। शिमाता जी ने भी हमारे उत्साह बढ़ाने के लिए कह रखा है, यू कैन ऑर्डर टू मून, यू कैन ऑर्डर टू सन, यू कैन ऑर्डर टू विंड, उत्साह बढ़ाने के लिए कह रखा है। और हंसी हकीकत क्या है, फिक्स पहले से कर रखा है हर चीज, बस इतना ही गेम समझ ले मानव, शांत हो जाएगा और लक्ष्य विहीन हो जाएगा। और जब वो लक्ष्य विहीन हो जाएगा तब ईश्वर के मतलब का बन पाएगा। जब तक वो लक्ष्यों से बाधित है संसार के, तब तक वो ईश्वर के मतलब का नहीं बन पाता। तो ये है पॉइंट की बात। तो महसूस किया कैसे हमारी श्रीमाता ही कैसे हमारा उत्साह बढ़ाती हैं। हाँ वो तो है, ये तो सही बात है, ये तो एक्सपीरियंस भी है, एक्सपीरियंस भी किया है इसको। और बहुत से लोग ऐसा भी कहते हैं, अरे वाह उस सहजी ने कह दिया वैसे ही हो गया, ये नहीं पता होना वैसे ही था इसलिए उसके मुंह से निकलवाया। वो वैसा होना था उस किसी सहजी के मुंह से निकलवा दिया बस। तो उसमें सहजी का कोई रोल नहीं है किसी का, कि उसने इतनी बड़ी बात बोल दी वैसी ही घटित हो गई, क्योंकि वैसी घटित होनी थी, बस इतना अंतर है उसके मुंह से निकलवा दिया। केवल सहजियों का उत्साह बढ़ाने के लिए कि देखो सहजियो तुम जैसा कहते हो मैं वैसा कर देती हूं, केवल एक मॉरल हाई करने के लिए है, जिससे साधना में बने रहें और अपनी गहनता को प्राप्त हो जाएं। और जब वास्तव में अपनी गहनता को प्राप्त हो जाते हैं ना, तो अपनी इन्हीं मूर्खताओं के लिए बहुत हंसते हैं, अरे माँ से ऐसे कहते थे हम। माँ से ये भी अब कहते देखो, थे। शुरू से अगर हम अपनी ऐसे ध्यान यात्रा को देखें एकदम स्टार्टिंग से, तो मतलब अब तक देखो कितना परिवर्तन हमने अपने आप ही अपने अंदर महसूस किया है। मतलब जैसे पहले तो ये लगता था कि बस शिमाता जी मिल गई, अच्छा परमात्मा ऐसे होते हैं, मतलब क्योंकि परमात्मा को कभी महसूस नहीं किया था, तो जब माँ मिली और उनकी वो ऊर्जा को महसूस किया तो ये पता चला कि हाँ परमात्मा ऐसे होते हैं। फिर उसके बाद चक्रों पे गए कि भाई चक्र ऐसे होते हैं, फिर चक्रों की अनुभूति होने लगी तो लगा कि अरे वाह हमारे अंदर ये चीजें भी हैं, फिर वो उसके आनंद को उठाया, फिर पता चला इधर दुख इधर सुख, इधर प्रेजेंट इधर पास्ट फ्यूचर वो हुआ, फिर धीरे धीरे इन सब से निकल के अपने आप को जब संतुलन में पाने लगे थोड़ा थोड़ा, तब ऐसे लगा कि अरे वाह ये तो बहुत ही सुंदर है, हम तो ऐसे इधर उधर हो रहे थे, फिर वो चीज महसूस की। अब धीरे धीरे क्या है ना, फिर वो प्रॉब्लम्स में आ गए, जैसे कि अच्छा शिमाता जी तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देंगी, ये भी, अब वो भी हमें या तो हमारा चित्र वैसा बन गया या वो सच में भी चीजें मतलब पूरा वैसे होने लगी, तो लगा अरे वाह हमारे पास तो मैजिक है भाई ध्यान का, कि शिमाता जी से जो कहते हैं वो सब चीजें वैसे हो जाती हैं, फिर ध्यान मतलब इस वाले लेवल पे फील होने लगा। बट अब क्या है, अब जब से ये जूम सेशन में हम लोग माँ ने जोड़ा है उसके बाद अब सही में पता चला है कि भाई समस्याएं भी इधर उधर छूटते जा रही हैं और ये सब आदमी अच्छा बुरा भी सब छूटते जा रहा है, तो आप कुछ एक अलग लेवल पे आके महसूस कर रहे हो कि एक्चुअली में शिमाता जी हमें क्या कर देना चाहती हैं, और वो यही है जो हम धीरे धीरे अब पा रहे हैं। तो पाने की क्रिया शुरू नीचे से लेके ऊपर तक
आज ये लेवल पे महसूस हो रही है मेरा, ऐसे मैं अपने एक्सपीरियंस पे बोल रही हूँ। एक्चुअली क्या है कि मैं आपको बताऊं, आप सबसे मैं ये कहना चाहता हूं, आप सब महसूस करेंगे आने वाले समय में, जब आप धुरी में आ जाते हैं ना, फिर कुछ कहने का दिल नहीं करता किसी से भी, ना भगवान से ना इंसान से। बस जो वास्तव में इस तरफ चल रहे हैं ना, बस केवल उनको एक इशारा करने की इच्छा मात्र रह जाती है। अगर जो वास्तव में इच्छा, गहरी इच्छा लेके चल रहे हैं, इस धुरी में आने की इच्छा रखते हैं, तो बस उनको आप शेयर करते हैं अपने अनुभव, बस। बाकी आप हर प्रकार की ये सोचे, इनसे इच्छाओं से विरत हो जाते हैं, कुछ नहीं रहता है, बस संसार में जीते हैं। जैसा शरीर है आपका, अब शरीर की चीजें हैं उनको मैनेज करना है, रोटी को मैनेज करना है, व्यवस्था को देखना है, जब तक संसार में बने हुए हैं, बस एक कर्तव्य मात्र पूरा करते हैं। आप अपने अंदरूनी जो चीजें हैं, जो वास्तविक नेसेसरी नेसेसिटीज हैं, उनके प्रति भी आपको करुणा रहती है, करुणा के साथ उन्हें देखते हैं। अच्छा पेट, तुझे भूख लगी है, चल तेरे को खिला देता हूं, एक करुणा है। खाना नहीं खा रहे आप खाना खिला रहे हैं, देयर इज अ डिफरेंस। ये शरीर तू गंदा ना रहे, चल तुझे नहला देता हूं, एक करुणा के साथ में इसे नहला रहे हैं, इसे खिला रहे हैं, इसको स्वच्छ रख रहे हैं, है ना। ए मन, तू बड़ा विचलित रहता था, चल तेरे को मां से मिला देता हूं अपने हृदय में। अभी करुणा आ गई है। ये जो हमारे अंदर संस्थाएं हैं, जितनी संस्थाएं हैं, बुद्धि, विवेक, मन, सारी जो संवेदन इंद्रियां हैं, सारी ज्ञानेंद्रियां हैं, अब उनके प्रति एक करुणा आ गई है। चलो भाई, इनकी जो आवश्यकता है इन्हें पूरा कर दो। अब कितना डिफरेंस है, समझने की बात यह है, इट्स अ ग्रेट डिफरेंस। पहले हम इन्हें अपना मानते थे, अब हम इनको दृष्टा होकर देखते हैं। अच्छा, तू बड़ा बेचैन हो रहा था, चल तेरे को संगीत सुना देता हूं। बिल्कुल सही, कौन सा बिल्कुल संगीत सही। सुनेगा, मोहम्मद रफी का सुनेगा कि मुकेश का सुनेगा, हेमंत कद्दा का सुनेगा, ले कोई सा भी सुना देते हैं। अच्छा तेरा आज भजन का सुनने का मन कर रहा है, ले तू भजन सुन ले, पर लिप्त नहीं है, लिप्त नहीं है मन में, उसे सुना रहे हैं, चल तू खुश हो जा। एक करुणा, करुणा का भाव है सबके प्रति। हमारे आंतरिक जो भी विभूतियां दी हैं ईश्वर ने हमें, और हमारे भीतर में जितने देवी देवता है, एक कैद में है, एक कैद में फंसे हुए हैं, एक एक रोम छिद्र पे एक एक देवता कैदी है। माँ ने तो बैठाया था एक जिम्मेदारी समझ के कि भाई ठीक है, ये जो है ना, इनकी मदद करेंगे मानव की चेतना की, पर मानव की अज्ञानता ने उन्हें कैदी बना दिया। कुंडली के प्रति करुणा है, अरे 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 अरे, जब से हमें मानव बनाया है तब से कैद है हमारी कुंडली माँ, चलो इसकी मुक्ति का प्रबंध करते हैं। इन सारे देवी देवताओं के जो सूक्ष्म अस्तित्व हैं, इन्हें आजाद करते हैं। और ये शरीर के कण है ना, ये पांचों के पांचों तत्व है ना, जो मजबूरी में बने हुए हैं शरीर रूप में, संगठित रूप में, चलो इनकी भी मुक्ति का प्रबंध करते हैं। अभी अपनी इच्छा से बंधे रहे तो रहे, पर हम अपनी तरफ से इन्हें मुक्त कर देते हैं। अब ये करुणा आ गई है, करुणा ने स्थान ले लिया है इसका। क्यों रमनी बहन, कैसा लग रहा है ये महसूस करके?